हाय फ्रेंड्स, मायसेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है वेरुलिनम। ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। मैं आपको बताऊँगी कि आप क्लिनिकली कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और किस डोज में आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेरुलिनम एक नोज़ोड है। तो नोज़ोड का मतलब है कि कोई भी मेडिसिन अगर हम लोग डिजीज्ड टिश्यू या फिर डिजीज्ड सिक्रीशन से बनाते हैं तो उसी को नोज़ोड कहा जाता है। वेरुलिनम नोज़ोड है स्मॉल पॉक्स का। वेरुलिनम मेडिसिन को यूज़ किया जाता है इंटरनल वैक्सीनेशन के लिए और ये मेडिसिन हमें प्रोटेक्शन देता है स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। वेरुलिनम मेडिसिन को आई रिलेटेड कंप्लेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा आईज़ में रेडनेस है या फिर उन्हें आईज़ में इन्फ्लामेशन होती है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। वेरुलिनम मेडिसिन का यूज़ ऑक्यूलर हर्पीस के लिए भी किया जाता है। अगर किसी पर्सन को HSV इन्फेक्शन हुआ है और ये इन्फेक्शन उन्हें आईज़ में हुआ है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। वेरुलिनम मेडिसिन हर्पीस को इरेडिकेट करने के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को ओरल हर्पीस की भी कंप्लेन है या फिर उन्हें जेनाइटल हर्पीस हुआ है उसके बाद अगर किसी पर्सन को आईज़ में हर्पीस इन्फेक्शन हुआ है तो वो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। वेरुलिनम मेडिसिन एयर रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को सीवियर डेफनेस की कंप्लेन है तो वो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को मीनियर्स डिजीज़ की प्रॉब्लम है या फिर अगर किसी पर्सन को टिनाइटिस की कंप्लेन है, उन्हें कान में अजीब सी आवाज़ें आती हैं, किसी भी तरीके का साउंड जैसे कि रिंगिंग या फिर बजिंग साउंड अगर आता है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। वेरुलिनम मेडिसिन को रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को एस्थमा की कंप्लेन है, उन्हें टाइटनेस फील होता है चेस्ट में या फिर उन्हें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। वेरुलिनम मेडिसिन को कफिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। अगर किसी पर्सन को वेट कफ की कंप्लेन है, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव कफ है, म्यूकस ज़्यादा आता है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। वेरुलिनम मेडिसिन बोन से रिलेटेड कंप्लेन के लिए भी यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को बैकएक की कंप्लेन है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को बोन्स में सीवियर पेन रहता है या फिर उन्हें टायर्डनेस फील होता है पूरे बॉडी में तो वो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। वेरुलिनम मेडिसिन रूमेटिक कंप्लेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर ल्यूपस की कंप्लेन है तो वो भी इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। वेरुलिनम मेडिसिन स्किन से रिलेटेड कंप्लेन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को हर्पिस इन्फेक्शन हुआ है, उन्हें फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स हो चुके हैं स्किन में, पस फॉर्म हो रहा है तो ऐसे लोग इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। हर्पिस इन्फेक्शन के लिए वेरुलिनम एक बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है और वो इसे इरेडिकेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर किसी पर्सन को ब्लिस्टर फॉर्म हुआ है स्किन में, उन्हें सीवियर इचिंग होती है और इरप्शन फॉर्म होने लग जाते हैं तो वो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इस मेडिसिन को आप एक्जीमा जैसी कंप्लेंट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वेरुलिनम मेडिसिन फीवर के लिए एक बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। अगर किसी पर्सन को हर्पिस इन्फेक्शन के वजह से फ़ीवर हो रहा है तो वो इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका क्लिनिकल यूज़ बता देती हूँ कि कौन कौन से डिजीज़ में आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। तो एस्थमा के लिए मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा बैकएक के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। हर्पिस इन्फेक्शन के लिए भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को न्यूरेल्जिया की कंप्लेन है तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। वेरुलिनम मेडिसिन को आप 30, 200 या फिर 1 mL पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार इसे डायरेक्ट अपने टंग पे लेना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था वेरुलिनम मेडिसिन। मैंने आपको बताया कि आप क्लिनिकली कौन कौन सी कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं और इसका डोज क्या है। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।